आपके साई ने कहा है कि 100 तोला सोना नहीं, तुम्हारी बेटी के गुण देखकर तय होगा ये रिश्ता, नहीं ना? आप सच्चाई में जीना शुरू कर दीजिए, और सच्चाई यही है कि अगर हमारे पास 100 तोला सोना है तो ये रिश्ता तय होगा, नहीं तो नहीं होगा। निकालने की बात तो कह गए, लेकिन जिस तरह के वो लोग हैं ना, मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर कल तक हमने उन्हें 100 तोला सोना नहीं दिखाया तो वो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर देंगे। मैं समझ भी सकती हूँ, 6 लड़के कहाँ रुकते हैं आज, पर आप समझिए अपनी बेटियों की भलाई के लिए ये समाज सेवा और साई साई के नाम का जप छोड़िए, गंभीर होकर कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बाबा बाबा, क्या हुआ यमुना? बाबा वो जो कल आए थे लगता है चले गए, संभवतः प्रातः काल ही निकल गए। बताइए ये है भलाई करने का नतीजा? रात को जिसे शरण दी, इतना विश्वास किया, उन्होंने जाने से पहले एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। कर्मयोग देख लिया, कर्मयोग का फल। थोड़ी दुनियादारी करना भी सीख लीजिए। कुलकर्णी सरकार अब वही आखिरी उम्मीद है हमारी। आपके साईं ना, आपके साईं के ना आगे कोई है ना पीछे कोई, पर आपके हैं 3-3 बेटियां। तो जाइए और जाकर एक पिता का फर्ज निभाइए। भाई कुछ भी हो जाए लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। मैं बिना बुलाए चला आया, इसलिए माफी चाहता हूं। मैं आज वापस जा रहा हूं, मैं केवल काम की तलाश में यहां आया था, और अगर काम की कोई भी संभावना बने तो आप मुझे बताइएगा, मैं वापस चला आऊंगा।
अहो, दूर का ही सही, माधव है तो आपका ही रिश्तेदार, मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ब्याह हो गया है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अब तू सिखाएगी मुझे मुझे किसके लिए क्या करना है? बीज वही चुनने चाहिए जो फल दे। हरिओम। मालसापति जी, सौ तोला सोना, सुनते ही मुझे लगा कि ये रिश्ता भी नहीं होगा। कहां से लाएंगे इतना सोना? पता नहीं कब बदलेगी ये प्रथा। जब बेटी की शादी एक बोझ नहीं सिर्फ खुशी की बात होगी, जब बेटी के रिश्ते की बात करने में पिता गर्व महसूस करेगा, डर नहीं। अमानवीय प्रथा है, लड़की नहीं चाहिए किसी को, लड़की के संस्कार नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है ऐसी प्रथा की? समाज में ऐसी कई सारी बातें जिनका ना कोई आधार है ना ही आवश्यकता, फिर भी है। रोग है ये, और ऐसे रोग का इलाज करना जरूरी है। समाज से इस रोग को निकाल फेंकने का वादा तो नहीं कर सकता, हाँ पर इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि तात्या की शादी में हम दहेज नहीं लेंगे। लड़की वालों से भी यही कहेंगे जो हमेशा साई कहते हैं, कर्मयोग। अब हमारे परिवार के निजी फैसले भी उस साई के कहे अनुसार ही होंगे। हमारे समाज में सदियों से चली आ रही प्रथा को अगर वो बदलना चाहे तो बदले। तुम लोग क्यों समाज के दुश्मन बनते हो? इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी बेटी को दहेज देता है, इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? इसे भी तो दहेज लेकर ही लाई थी इस घर में, तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? क्या ये यहाँ पे सुखी नहीं है? सच कहूं आई तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी शादी में क्या क्या दहेज आया था। मेरी खुशी मेरे पति से है, मेरा सुख मेरे बेटे से है, आपसे है, और फिर जहां दहेज दाम्पत्य में सुख का आधार बने, वहां विवाह विवाह नहीं बल्कि एक सौदा बन के रह जाता है। एक शाम दे, अल्लाह मालिक है। साई, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी दी हुई औषधि से मेरी माँ अब स्वस्थ हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है साई, एक के बाद एक मुश्किलों का तांता सा लगा हुआ है। एक खत्म नहीं होती है कि दूसरी टूट पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से? जी साईं। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पर कि पिछले कुछ दिनों से ही मुश्किलें आ रही हैं, वरना लोगों का तो हर दिन संघर्ष से भरा, मुश्किलों से भरा गुजरता है। और सच तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मुश्किलें आती हैं, टल जाती हैं, सुख आता है वो भी गुजर जाता है, लेकिन जिस तरह सुख को स्थाई मानकर उसके मोह में पड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए,
उसी तरह दुख, मुश्किल, तकलीफें, इन्हें भी स्थाई मानकर इनसे घबराने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया बनाने वाले ने दुख बनाया ही क्यों? दुख वो आईना है जो इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाता है। सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि खुद इंसान को भी अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र की असली पहचान कराता है दुख। सुख में धर्म का पालन करना आसान होता है। इंसान की असली परीक्षा तो तब होती है जब वो दुखों से घिरा होता है, जब उसे अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए सही और गलत का फैसला करना होता है और उसकी परिस्थितियां, उसके हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। उस समय वो क्या फैसला लेता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या है। दुखों को परीक्षा समझ कर निभाते जाओ। सब बीतना है, सब बीतता जाएगा। तालुका के व्यापारी, सुखी रहेगी आपकी कन्या, ये विवाह अवश्य होना चाहिए। रिश्ते की कीमत भी तो है, 100 तोला सोना। मैंने अपना समस्त जीवन खंडोबा जी की सेवा में बिताया, कभी भी धन संचय करने की चेष्टा नहीं की मैंने। आज मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं। खंडोबा के पुजारी से गिरवी रखने के लिए मैं कुछ मांग सकता हूं भला? ऐसा करना आप होगा मानसापति जी। आपके पुत्री का रिश्ता बन रहा है, अच्छा है। ये जितनी प्रसन्नता की बात आपके लिए है उतनी ही प्रसन्नता की बात पूरे शिरडी गांव के लिए है, मेरे लिए। अभी आया पर 100 तोला ही चाहिए ना, पड़ा है मेरे पास, अभी लाता हूं। आपकी पुत्री का विवाह मेरी पुत्री का विवाह। हरिओम। जरीना फूफू को खांसी की दवा चाहिए। मातरे काका की नाक ही बंद रहती है और गला भी खराब रहता है। गोलियां चीनो, सुमित्रा काकी, अल्ताफ भाई, इन सब ने अपनी अपनी परेशानियां लिख के भेजी है। ये तो समझिए बस मेरे गांव वाले हैं। इसके अलावा आसपास के कई गांवों में ये बात फैल चुकी है कि उस्मान को श्रेणी में एक फरिश्ता मिला है जिसने उस्मान के बेटे की बीमारी को सिर्फ एक दवा से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपका नाम ले लेकर मैं भी मशहूर हो गया हूँ। आपके गांव में कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं है? मेरे ही गांव में क्या, कई गांवों में नहीं है, और अगर कहीं है भी तो वहां गरीबों की सुनवाई कहां। राम जी भला करेंगे, सबका इलाज, सबकी शिफा सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस उसका बनाया एक जरिया। जाओ जाओ और कह दो अपने गांव वालों से
शिरडी में सबका इलाज होगा। जो जब आना चाहता है आ सकता है, और बुलावा मुझसे नहीं जमीन से आएगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना? हरिओम। बात पूछना चाहता था, आप मुझसे ये जो सहायता मांगने आए हैं वो केवल कुलकर्णी साहूकार से सहायता मांगने आए हैं या कुलकर्णी सरकार से भी? वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के राजा है, वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के वैद्य है और रक्षक भी। कुलकर्णी सरकार शिरडी को हर बुरी दृष्टि से और हर बुरे व्यक्ति की छाया से बचाना चाहते हैं। अचंभित क्यों है, उत्तर दीजिए। इतना कठिन प्रश्न तो मैंने नहीं पूछा आपसे। ऐसा है मालसापति जी, जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं वो साहूकार के पास सहायता मांगने जाता नहीं। सरकार, मैं तो आपसे, मेरा मतलब है हमारे कुलकर्णी सरकार से सहायता मांगने आया। तो जाइए, कुलकर्णी सरकार के आशीर्वाद से अपनी कन्या का विवाह करिए। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, यमुना। धूमधाम से विवाह कीजिए उसका। लीजिए। ये क्या है सरकार? अरे अभी अभी आपने स्वीकार किया ना कि कुलकर्णी सरकार शिरडी को हर बुरी दृष्टि से और हर बुरे व्यक्ति की छाया से बचाना चाहते हैं। अब ये कार्य मेरे लिए उतना ही असंभव है जितना आपके लिए आपकी कन्या का विवाह। शिरडी की जनता का सहयोग चाहिए मुझे। अब आप ये मत कह देना कि शिरडी की जनता से आप भिन्न हो। बारूद? सरकार, तो मैं क्या करूं? बताता। बहुत ही सरल कार्य है, इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको
उस पाखंडी बैरागी ने दिया है। ये तो सत्य नहीं है। इसमें सत्य असत्य की बात कहां से आ गई महासभापति जी? ये शोरमोल क्यों? आप मेरे पास आए, आपने 100 तोला सोना मांगा, मैंने बिना पूछताछ के वो सोना आपके हाथों में सौंप दिया। संबंधों में आदान प्रदान होना चाहिए, है कि नहीं? शिरडी की स्वच्छता के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। आपको जो कार्य सौंपा है उसे आप पूरा कीजिए और ले जाइए अपना पुरस्कार।